हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज से लगभग हमने 8 से 10 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में हमने प्रोजेव एजी के बारे में बताया था। लेकिन जब हमने ये वीडियो बनाई थी तो उस समय थोड़ी उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी, आवाज़ उस वीडियो में पूरी तरीके से साफ नहीं थी। तो आज हम प्रोजेव एजी प्रोडक्ट के बारे में दोबारा वीडियो बना रहे हैं, और वो वीडियो लगभग 8 से 10 महीने पहले बनाई थी। तो आज हम उस प्रोजेव एजी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोजेव एजी क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको फसल पर लगाने से इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, और इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम प्रोजेव एजी है, और प्रोजेव एजी ये एक PGR है, जिसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। ये सुमीटोमो कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इसमें जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, और इसमें जिब्रेलिक एसिड 40% WSG फॉर्म में पाया जाता है, या इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें प्रोजेव ही पाया जाता है। प्रोजेव इसमें 40% WSG फॉर्म में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जब भी हम इसका फसल पर प्रयोग करते हैं तो ये फसलों में लगाने से ये क्या क्या फायदे करता है। ये फसलों में लगाने से कई फायदे करता है, उनमें से कुछ फायदे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि जब भी आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो ये बीज की सुसुप्तावस्था को खत्म कर देता है। जब भी आप इस प्रोडक्ट को बीज पर प्रयोग करते हैं तो ये बीज की जो डोरमेंसी होती है, जो बीज की सुसुप्तावस्था होती है, जर्मिनेशन जो क्रिया जो धीमी होती है, उसको ये तेजी से कर देता है। अगला है कि ये पौधे की जड़ें अधिक और तेजी से बढ़ाता है। यदि हम इस प्रोडक्ट का प्रयोग यदि पौधे की जड़ों में यदि प्रयोग करते हैं तो ये पौधों की जड़ों को तेजी से बढ़ा देता है और अधिक संख्या में बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि ये पौधे की शाखाओं को काफी तेजी से निकालता है और अधिक संख्या में निकालता है। यदि हम इस प्रोडक्ट का फसल के ऊपरी भाग पर प्रयोग करते हैं, यदि हम इसका फसलों पर स्प्रे में प्रयोग करते हैं, तो ये प्रोडक्ट पौधे की शाखाओं को काफ़ी तेजी से बढ़ा देता है और अधिक संख्या में बढ़ाता है। ये प्रोडक्ट पौधे की वृद्धि और विकास काफ़ी तेजी से करता है। इसका प्रयोग करने से फसल में फल फूल की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, और जब भी हम इस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो ये फलों का साइज भी बढ़ा देता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो फसलें जमीन के अंदर तैयार होती हैं, जैसे कि आलू, अदरक, रतालू, हल्दी, मूली। ये फसलें ऐसी हैं कि इन फसलों की पैदावार जमीन के अंदर होती है, तो इन फसलों में यदि हम जमीन के अंदर इस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो ये फलों के साइज को बढ़ा देता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पौधे के ऊपरी भाग पर फल देते हैं, जैसे कि फल वाली फसलें हैं सेब, आम, अंगूर, लीची और मिर्च, टमाटर, बैंगन। इन फसलों में यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये फलों के साइज को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। तो ये रहे प्रोजेव एजी के मेन फायदे। और भी इसके कई फायदे हैं, लेकिन हमने आपको मेन ये फायदे बताए हैं। अब बात करते हैं कि इसका जब भी हम फसल पर प्रयोग करते हैं तो इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, आलू, अदरक, पालक, धनिया, मेथी, कपास, गन्ना, धान, मटर, चना, सोयाबीन, सेब, आम, अंगूर, लीची, अंगूर, भिंडी, खीरा, करेला, तोरई, लौकी, कद्दू। लगभग सभी फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कब प्रयोग करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी फसल की अवस्था पर निर्भर करती है कि इस प्रोडक्ट को हम कब प्रयोग करें। और इसको जब भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे कि आप गर्मियों में यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो गर्मियों में आप इस प्रोडक्ट को सुबह आप 8 से 9 बजे तक इसका प्रयोग कर सकते हैं,
और शाम को आप 5 बजे के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है गर्मियों के समय में, उस समय आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दियों में आप दिन में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। और फसल की अवस्था की बात करें तो फसल की अवस्था पर यह निर्भर करता है कि इस प्रोडक्ट को हम कब प्रयोग करें। यदि आपकी फसल सही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है तब आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, विकास अच्छी तरीके से नहीं कर रही है, तब आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उसकी कोई भी अवस्था हो। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप स्प्रे में ही प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि इस प्रोडक्ट को, जैसे कि आलू की फसल है, शकरकंद की फसल है, रतालू की फसल है, हल्दी अदरक की फसल है, ये फसलें ऐसी हैं कि ये जमीन के अंदर तैयार की जाती हैं, तो उन फसलों में भी प्रोजेब इजी का प्रयोग करते हैं कुछ किसान भाई, लेकिन इन फसलों में प्रोजेब इजी का प्रयोग नहीं करना है। इसी कंपनी की, सुमिटोमो कंपनी की एक और प्रोजेब आती है जो मार्केट में प्रोजेब के नाम से आती है, वो 1 ग्राम में भी आती है और 5 ग्राम में भी आती है, उसको आप जमीन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। और उसी प्रोडक्ट को आप, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसकी हम ड्रेंचिंग करते हैं, जैसे कि मिर्च टमाटर बैंगन जो भी ट्रांसप्लांटेड फसलें होती हैं उनकी हम ड्रेंचिंग करते हैं, तो ड्रेंचिंग में भी आप उसी प्रोजेब का प्रयोग कर सकते हैं जो डिब्बी वाली प्रोजेब आती है 1 ग्राम वाली और 5 ग्राम वाली, लेकिन इस प्रोजेब इजी का प्रयोग नहीं करना है, इसका केवल स्प्रे पर ही प्रयोग करना है। और प्रोजेब के बारे में भी हम एक और वीडियो बनाएंगे, हमने एक पिछली वीडियो भी बनाई है लेकिन एक और वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको हम जब भी फसल पर प्रयोग करते हैं तो इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा जब भी आप प्रयोग करते हैं तो वो आपकी फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, मौसम पर निर्भर करती है कि आप इस प्रोडक्ट की कितनी मात्रा फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप टेम्परेचर के अनुसार इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, यदि लगभग 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उस समय आप किसी भी फसल में एक, इसका दो पैकिंग आती है, एक तो 2.5 ग्राम का इसका एक पाउच आता है, एक 12.5 ग्राम का पाउच आता है। यदि आप एक 2.5 ग्राम का पाउच इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस समय आप एक 2.5 ग्राम के पाउच को लगभग 5 से 6 टंकी में, जो 15 लीटर की टंकी है, 15 या 16 लीटर की टंकी है, उनमें आप 5 से 6 टंकियों में एक 2.5 ग्राम के पाउच को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप फसल के अनुसार यदि प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बेल वाली फसलें होती हैं, जैसे कि लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, टिंडा, ये बेल वाली फसलें हैं। इन फसलों में यदि आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें एक 2.5 ग्राम के पाउच को लगभग 8 से 10 टंकियों में एक 2.5 ग्राम का पाउच इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप फसल की अवस्था के अनुसार यदि प्रयोग कर रहे हैं, यदि आपकी फसल की अवस्था छोटी है और उस समय टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस समय आप इस प्रोडक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। इसको कितनी मात्रा प्रयोग करनी है, 2.5 ग्राम के पाउच को 8 से 10 टंकियों में प्रयोग कर सकते हैं। और भी इसकी फसल की अवस्था के अनुसार आप अलग अलग तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मिर्च बैगन कुछ फल वाली फसलें हैं, ये ऐसी फसलें हैं कि इन फसलों पर यदि आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो आप टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस समय आप इसका फसल की कोई भी अवस्था हो, लगभग 15 से 16 लीटर वाली टंकियों में एक 2.5 ग्राम के पाउच को आप 3 से 5 टंकियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर यदि 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, उस समय आप एक 2.5 ग्राम के पाउच को 15 से 16 लीटर वाली टंकियों में, लगभग 2 से 3 टंकियों में एक 2.5 ग्राम के पाउच को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फल वाली फसलें भी होती हैं, जैसे लीची है, आम है, अमरूद है, सेब है, अंगूर है, इन फसलों में भी आप इस प्रोजेब इजी का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप इस प्रोजेब इजी का प्रयोग कर रहे हैं तब आप इसका लगभग 3 से 4 टंकियों में एक 2.5 ग्राम के पाउच को इस्तेमाल
कर सकते हैं। यदि आपकी टंकी में 15 से 16 लीटर पानी आता है उस समय, और इसी हिसाब से आप 12.5 ग्राम के पाउच को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग अवस्थाओं पर अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी एक डोज कन्फर्म नहीं है, हमने एक एवरेज तरीके से एक टेम्परेचर के अनुसार बताया, फसल की अवस्था के अनुसार भी बताया है। और जहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं, आपके यहाँ पर कोई और फसल हो रही है, हमारे यहाँ पर मिर्च की फसल भी होती है और भी कई फसलें होती हैं, आलू की फसल भी होती है, आपके यहाँ पर फल वाली फसलें भी हो रही हैं, कुछ जायद की फसलें भी हो रही हैं, तो आप वहाँ पर जो भी आपके संपर्क में जो दुकानदार हैं, जो डीलर हैं, उनसे आप सलाह लेकर इस्तेमाल इस प्रोडक्ट को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या है। तो इसकी जो कीमत है, इसकी पैकिंग दो क्वांटिटी में आती है, एक तो आपके 2.5 ग्राम में आती है, एक आपके 2.5 ग्राम में पाउच आता है। यदि आप 2.5 ग्राम के पाउच को यदि मार्केट से खरीदते हैं तो इसके एक 2.5 ग्राम के पाउच की कीमत लगभग मार्केट में 90 से 100 रुपए की होती है, और यदि आप 12.5 ग्राम का पाउच खरीदते हैं तो 12.5 ग्राम के पाउच की कीमत आपको मार्केट में लगभग 450 रुपए से 500 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो कि प्रोजेव एजी है, और ये 3 से 4 साल पहले से ये काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी प्रोडक्ट ये प्रयोग किया जा रहा है, और लगभग इस प्रोडक्ट को सभी किसान भाई प्रयोग करते हैं और अलग अलग फसलों में इस प्रोडक्ट को प्रयोग करते हैं। तो आप भी इस प्रोडक्ट को प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रोडक्ट को प्रयोग करने से आप काफ़ी फायदे उठा सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं, ये काफ़ी उत्पादन भी बढ़ाता है। तो ये रही प्रोजेव एजी प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।